अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबके घरों में खैर आफियत होगी। तो जी, मैं आज जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल हमने जाना है, मैंने अपनी भाभी को लेके। तो मैं और मेरी अम्मी और भाभी और भाई हम सारे हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे हम बैठ के वेट कर रहे हैं अपने भाई का। तो जी, भाई जो है वो ऊपर रूम देखने गया था, क्योंकि हमने भाभी को एडमिट करवा दिया है और अब रूम वगैरह हॉस्पिटल वालों ने हमें दे दिया। तो अब आज है भाभी का ऑपरेट। तो जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फॉर्म वगैरह फिल करने थे, तो वो फॉर्म वगैरह फिल कर दिए हैं और उन्होंने मेडिसिन वगैरह हमें लिख के दी थी, तो मेडिसिन वगैरह ले ली हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने भाई को बोला था कि तुम ना मुझे गाड़ी में से कपड़े वगैरह निकाल के दे दो, ताकि फिर हम अंदर ना चले जाएं। तो भाई यहाँ पे कपड़े लेने गया है, तो मैं कपड़ों का वेट कर रही हूँ। तो जी, इसके बाद मैं अंदर चली जाऊँगी भाभी के पास। तो जी, अल्लाह मियाँ मेरी भाई और भाभी को सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद अता करे, आमीन सुम आमीन। और आप सब लोग भी मेरे भाई और भाभी के लिए दुआ करें। तो जी, यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह ले लिए हैं, तो अब मैं अंदर जाऊँगी। तो अंदर जाके मैंने अम्मी को कपड़े वगैरह बेबी को दे दूँगी। तो जी, यहाँ पे सारे बैठे वेट कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन आज 7-8 ऑपरेट थे। तो सबसे लास्ट वाला ऑपरेट जो था वो मेरी भाभी का था। तो जी, यहाँ पे भाभी को ले गए हैं अंदर। तो हम बैठ के तो सारे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती वाली भाभी को औलाद अता करे और उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो जी, यहाँ पे बस हम बैठ के वेट कर रहे हैं, और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो पेशेंट को चेक करने के लिए आए हुए हैं। बस अल्लाह मियाँ सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली औलाद दे, और अपने घरों में खैर वाफियत से अपनी औलाद को ले कर तो अपने अपने घरों में खुशी से जाएँ। बस सब के लिए यही दुआ है। और यहाँ पे हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, तो वेट कर रहे हैं कि अभी डॉक्टर आके तो हमें बताती हैं। तो जी, यहाँ पे डॉक्टर ने हमें आके बता दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी की बेटी, प्यारी सी अल्लाह मियाँ ने अपनी रहमत से हमें नवाजा है। अल्लाह मियाँ ने मेरे भाई को चांद सी बेटी ये अता की है। और यहाँ पे उन्होंने पहले डॉक्टर ने बेटी को नर्सरी में रखा था, और नर्सरी के बाद फिर उन्होंने तीन घंटे के बाद हमें जो है ना वो बेबी जो है हमें दिया है। तो यहाँ पे अब हम सारे रूम में बैठे हुए हैं। मेरी भाभी के मेके वाले आए हुए हैं, और ये मेरा भाई है, और मेरी बड़ी भाभी आए हुए हैं। तो सारे बैठ के तो माशाल्लाह खुश हो रहे हैं, मिठाई वगैरह खा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भाभी भी ठीक ठाक हैं। तो जी, यहाँ पे बेबी भी रूम में आ गया है। तो अब बेबी को जो है ना वो अजान का टाइम, अजान देनी है कान में। तो अब भाई जो है वज़ू करके आ गया है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बेबी के कान में अजान देंगे। اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هيا للصلاه هيا للصلاه هيا للفلاح هيا للفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله। तो जहाँ पे जी अब हम वापस जा रहे हैं, तो माशाल्लाह बेबी और मेरी भाभी जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप बेबी का भी हमने करवा लिया है। नर्सरी में उन्होंने 2-3 घंटे के लिए रखा है, कि उन्होंने कहा था कि हम बेबी को फीड वगैरह करवा के फिर आपको बेबी देंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम माँ बेटी ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे बस अम्मी को भी लेके आ रहे हैं, तो फिर हम अब घर जा रहे हैं, और मेरी भाभी और अम्मी और भाई जो है वो यहाँ रुकेंगे।
तो इसके साथ ही मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।